दोस्तों कुछ दिनों से यामिनी यशवंत यादव का एक पुराना वीडियो कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ उर्दू जर्नलिस्ट, कुछ सोशल वर्कर यामिनी यशवंत यादव और यशवंत यादव का बाइकल्ला इलाके में उर्दू घर के लिए बीएमसी द्वारा जमीन अलॉट करवाने पर शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। हकीकत है कि हम लोग ख्वाब ही देखते रहे और उस ख्वाब को बड़ी ईमानदारी के साथ, जैसे आज मुशीर भाई ने कहा कि मुख्तलिफ पार्टी के भी लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन उर्दू के लिए सब इसलिए आए हैं कि साउथ बॉम्बे में पूरे अगर उर्दू के लिए कुछ हुआ है पहली बार तो यशवंत यादव और यामिनी नाइक है और उर्दू वाले उसकी जबान के अंदर एहसान मानने का जज्बा पाया जाता है। बेशक बेशक, तो हम आपका एहसान मान रहे हैं। अनबिलीवेबल, ये बूढ़े हो गए सोचते सोचते, हम आधे बूढ़े हो गए कि कभी एक ऐसा अदारा बनेगा जो उर्दू के नाम पे होगा, उर्दू की बातें चलेंगी, मुशायरे होंगे, गजलें चलेंगी, लोग उर्दू सीखेंगे। लेकिन इस ख्वाब को जो है ये दो शख्सियात ने पूरा किया, तो हम लोग सबसे पहले तो उसका शुक्रिया अदा करना आपके पास आए। दूसरा जो चीज है, नए जमाने में मोबाइल की वजह से जो रिप्रेजेंटेशन इस कॉज के लिए मोहतरमा यामिनी जादू साहब ने किया, लाजवाब है। हाउस में जिस तरह आपने बात की, जिस तरह आपने लड़ाई करी एक तरह से ऑलमोस्ट, और बहुत उचित थी, बहुत नीडेड थी और बहुत सिस्टमैटिक थी, तो पूरे साउथ बॉम्बे में, बाहर भी हम लोग उर्दू वाले कि सबके सब ये चाहते थे कि एक बार उसका भी थैंक्स बोलने के लिए हम लोग आपके पास आना चाहिए। और ये बात हम लोग उर्दू वाले जानते हैं, जो लोग यशवंत भाई को बहुत पहले से जानते हैं, हम जैसे लोग इस बात पे तो पूरा इत्मीनान था कि डॉक्यूमेंटेशन वाइज तो कोई लूपहोल इसमें होगा ही नहीं। एक मास्टर ऑफ द रिंग जो है वो, जिसने सर्कस में शेरों को चलाया है, वो यशवंत यादव है। आम लोगों को तो जब वो, उसने अगर इस चीज को प्रपोज किया है सिस्टमैटिकली, तो हम लोग उस सिस्टम में इतना बिलीव रखते हैं। और जब यशवंत भाई फोन पे बात कर रहे थे, तो वो ही फोन की बात का आखिरी जुमला यहाँ खत्म करूंगा कि उर्दू लर्निंग सेंटर बन के रहेगा। ठीक है, उस वक्त यामिनी यशवंत यादव और यशवंत यादव को थैंक्स कहना बनता था, लेकिन उसके बाद में बीजेपी के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने वहां आईटीआई ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मांग कर दी और मामले को कोर्ट ले गए, जहां कोर्ट ने उर्दू घर के काम पर फौरन रोक लगा दी। काम पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है। जो लोग ये पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनसे सीधा सवाल, क्या आप में से किसी ने किसी सीनियर एडवोकेट के साथ कोर्ट को अप्रोच किया? क्या आप में से किसी ने यामिनी यादव से पूछा कि आपके साथ महायुति में शामिल बीजेपी इसका विरोध कर रही है और आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी खामोश तमाशाई बने तमाशा देख रहे हैं, आखिर क्यों? एक सीधा सवाल हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से। एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बनके अरसा हो गया है, लेकिन अब तक का आपने महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी फॉर्म क्यों नहीं की? महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी उस मिनिस्ट्री में आती है जो मिनिस्ट्री आपके पास है। जनता इन सभी सवालों का जवाब चाहती है।